इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका डेली न्यूज में स्वागत है। नए साल में महेंद्र सिंह धोनी की वापसी, बने वनडे T20 टीम के कप्तान। नई दिल्ली भारत के करिश्माईपुर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बुधवार को एनसीसी कैंप्स के तहत वनडे T20 की कप्तान बन चुके हैं, जबकि विराट कोहली को टेस्ट टीम का कप्तान बना चुका गया है। 23 सदस्यीय समिति के चयन में टेस्ट की कप्तान बन चुके हैं, जैसे कि इस आधार पर किया जा रहा है इस खिलाड़ियों से कम 50 टेस्ट खेले हों या पारंपरिक प्रारूप से 6 साल सक्रिय हों। वनडे के लिए 75 मैचों में T20 के लिए 100 मैचों का अनिवार्यता थीम। टेस्ट एकादशा के नेतृत्व में भी चुना गया है, जो कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव के युजवेंद्र चहल आने वाले से बाहर है। इंग्लैंड के एल्केलेस्ट लुक में न्यूजीलैंड के विलियमसन भी T20 क्रिकेट में कोहली ने 94.97 की औसत पे 72.02 टेस्ट रन बनाया, जबकि अश्विन ने 362 के लिए। कोहली के प्रारूप में अभी भारतीय टीम के रोहित शर्मा वनडे एकादश की जगह बनाई है। जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली टी ट्वेंटी टीम मैच में वेस्ट इंडीज के 5 खिलाड़ियों क्रिस जेन, इरेन ब्रावो, सुनील नारायण, किरण पोलार्ड और आंद्रे रसेल शामिल हैं। महिला टीम में मिताली राज और झूलन गोस्वामी वनडे T20 में से ऑस्ट्रेलिया में गेम लर्निंग के कप्तान चुना गया है। अगर मैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।